हेलो फ्रेंड्स वेलकम गैन टू माय यूट्यूब चैनल सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीआरटी के चैप्टर नंबर फोर दैट इज प्लानिंग के एम के बारे में प्लानिंग के एम का ये हमारे पास सेकंड पार्ट होगा इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप जाकर देख सकते हैं सो एम सी क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए so, ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये हम रीड आउट करेंगे विद ऑप्शन वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर को चूज कर सकते हैं देन वीडियो को कंटिन्यू करके आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं आज के सेशन में हम टोटल ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन करेंगे और एक तरह से ये आपका टेस्ट है और ये टेस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके और आपके और फ्रेंड्स के कितने मार्क्स आए सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेम दिस स्टेप इन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विच इज कंसीडर्ड द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग यानी प्लानिंग के प्रोसेस में वो कौन सा स्टेप है जिसमें एक मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ता है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव एंड लास्ट वन इज इंप्लीमेंटिंग प्लान। सो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव क्योंकि जब एक मैनेजर डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव को इवेलुएट करता है उसके बाद फाइनली उसको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा प्लान उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है सो सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव प्लानिंग प्रोसेस का एक ऐसा स्टेप है जिसमें डिसीजन लिया जाता है ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज गवर्नमेंट ओन्ड आ प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस और कंपनी इन द प्राइवेट सेक्टर रिक्वायर्स प्लानिंग नेम म फीचर ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड इन दी अब स्टेटमेंट सो ये आपको स्टेटमेंट दे रखी है इस स्टेटमेंट में आपको बताना है कि प्लानिंग का कौन सा फीचर या फिर करेक्टर हाईलाइट किया गया है मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी मैनेजमेंट और प्लानिंग इज ऑल प्रोवेसिव या फिर मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल बेसिकली ये क्वेश्चन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी है और प्लानिंग के रिगार्डिंग भी है और इसका आंसर होना चाहिए मैनेजमेंट और प्लानिंग इज ऑल परवे यानी चाहे मैनेजमेंट हो चाहे प्लानिंग हो वो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई की जाती है प्लानिंग करना ना केवल गवर्नमेंट के लिए बल्कि प्राइवेट के लिए भी जरूरी है प्लानिंग इंडिया में नहीं आउट ऑफ द इंडिया भी परफॉर्म किया जाता है सो so, प्लानिंग और मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है एज अ फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी अनंश हैज प्रिपेर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस रेवेन्यू एंड इनकम फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मैं आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्लान यहां पर डिस्कस किया गया है बेसिकली सीबीएसई के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ प्लान आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ सीबीएसई सी है स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी ये सेशन रिकॉर्ड किया गया है उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा इसलिए हम ये सारे क्वेश्चन कवर करेंगे सो so, वो कौन सा टाइप ऑफ प्लान है जिसमें एक मैनेजर स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है रिगार्डिंग द एक्सपेंसेस रेवेन्यू एंड इनकम बेसिकली वो बजट है बजट एक ऐसा प्लान होता है जिसमें एक मैनेजर आने वाले समय के लिए एडवांस में डिसाइड कर लेता है कि हमारे कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर कितना खर्चा आएगा कितना रेवेन्यू होगा यानी कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा दैट इज प्लान रिगार्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन एजम्शन अबाउट द फ्यूचर फॉर्म ऑफ बेसिस अपॉन विच प्लान वट आर दीज एस यहां पर हमें कह रहे हैं कि जब भी एक मैनेजर प्लानिंग करता है तो प्लानिंग के दौरान उसको कुछ एजम्शन लेनी पड़ती कुछ assume है कुछ एज्यूम करना पड़ता है देन वो प्लानिंग सक्सेसफुल कर सकता है उन एजम्स को हम क्या कहते हैं प्लानिंग प्रेमिस इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव सिलेक्टिंग एन ऑल्टर या फिर आंसर तो होना चाहिए प्लानिंग प्रेमिस डेवलपिंग प्रेमिस डेवलपिंग प्रेमिस प्लानिंग का एक ऐसा स्टेप है जिसमें मैनेजर फ्यूचर के बारे में कुछ एजम्शन लेता है और उसके अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव सेट करता है नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम दाइप ऑफ प्लान सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं पॉपुलर ई कंपनी कॉमर्स कंपनी डीलिंग इन अ वाइड वैरायटी ऑफ होम डेकोर आइटम्स दूसर वेबसाइट टू रिटर्न टाइम ऑफ डिलीवरी इफ दे नोट सेफाइड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सो है इसकी प्लान पॉलिसी के अकॉर्डिंग इनके रूल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी कस्टमर को उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता तो वो वापिस कर सकता है इन सच स्पेसिफाइड स्टेप्स आर फॉलोड बाय कंपनी इट विल टेक द रिटर्न प्रोडक्ट बैक विद देम एंड ग्रांट क्रेडिट फॉर द वैल्यू ऑफ रिटर्न प्रोडक्ट ऐसी सिचुएशन में कस्टमर से प्रोडक्ट वापिस ले लिया जाता है और जो पैसा मिला है उसको वापिस कस्टमर को रिटर्न कर दिया जाता है सो so, आपको यह बताना है कि कंपनी कौन से टाइप ऑफ प्लान को यहां पर डिस्क्राइब कर रही है मेथड प्रोसीजर रूल या फिर स्ट्रेटेजी बेसिकली यहां पर प्रोसीजर के ऊपर फोकस किया गया है क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है इन सच अ केस स्पेसिफिक स्टेप्स आर फॉलोड बाय कंपनी अगर बाई सिचुएशन आती है तो कंपनी एक स्पेसिफिक स्टेप फॉलो करती है और स्टेप फॉलो करना इज नॉन एज प्रोसीजर सो कंपनी का ये प्रोसीजर है प्रोडक्ट वापस लिया जाता है कस्टमर को क्रेडिट दे दिया जाता है सो so, प्रोसीजर है ये नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स्थ क्वेश्चन प्लान्स इनकरेजेस न्यू आइडियाज दैट कैन बी टेकन प्लेस दैट कैन बी टेक प्लेस ऑफ अ कॉन्क्रीट प्लान आइडेंटिफाई दी रिलेटेड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग यहां पर हमें कह रहे हैं कि अगर प्लान किए जाते हैं प्लान बनाए जाते हैं तो मैनेजर के माइंड में न्यू न्यू आइडियाज आते हैं न्यू प्लान आते हैं जिसको बिजनेस में अप्लाई किया जा सकता यानी कौन सी इंपॉर्टेंस प्लानिंग की यहां पर हाईलाइट की गई है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन या फिर प्लानिंग मेक्स डिसीजन बेसिकली इसमें आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज जब हम प्लानिंग करते हैं तो एक मैनेजर के माइंड में बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज आते हैं नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेवन नेम द टाइप ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विच इज यूज बाय विच इज यूज फॉर अकम्पलिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव वो कौन सा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जिसकी हेल्प से कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बारे में सोचती है पॉलिसी स्ट्रेटेजी प्रोग्राम या फिर प्रोसीजर बेसिकली इसका आंसर होना चाहिए स्ट्रेटेजी क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के बारे में सोचती है तो वो अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करती हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर टेगो लिमिटेड इज अ पॉपुलर ऑटोमोबाइल कंपनी इन इंडिया द सेल्स टारगेट ऑफ द कंपनी वर एडवर्सली अफेक्टेड फॉर अ फ्यू मंथ्स ड्यू टू बैन इंपोज्ड ऑन सेल ऑफ डीजल व्हीकल विद 2000 थाउजेंड सी सी इंजिन सो टेगो लिमिटेड एक पॉपुलर ऑटोमोबाइल कंपनी है उन्होंने अपना जो सेल टारगेट रखा था वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ महीनों का बैन लगा दिया गया है डीजल व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इन नेशनल कैपिटल रीजन दैट इज एनसीआर आइडेंटिफाई द रिलेटेड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग बिकॉज ऑफ विच दी कंपनी वॉज नॉट एबल टू अचीव इट्स टारगेट आपको पता लगाना है कि कौन सी प्लानिंग का लिमिटेशन यहां पर हाईलाइट किया गया है जिसके कारण कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाए प्लानिंग लीड्स टू रिड्यूटिंग प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी सो इसका आंसर होना चाहिए प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट क्योंकि भाई कंपनी को नहीं पता था कि आने वाले समय में इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे और हमारा बिजनेस जो है वो कुछ महीनों के लिए बैन कर दिया जाएगा so, क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है इन्वायरमेंट डायनेमिक नेचर का होता है इसीलिए ये एक लिमिटेशन है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास है हैज डिसाइडेड दैट रॉ मेटीरियल like fruits vegetables spices etc will be purchased on three months credit from the farmers cultivating organic crops only for her food processing business yahan par keh rahe hain aruna ka ek business hai food processing ka jiske liye fruit vegetables spices raw material hai तो अरुणा जो है वो कुछ महीने के उधार पर farmers से ये crops purchase कर लेती है बताओ ये कौन सा प्लान फॉलो किया है अरुणा ने पॉलिसी प्रोसीजर मेथड या फिर रूल बेसिकली अरुणा की यह पॉलिसी है कि वो तीन महीने पहले क्रेडिट पे परचेस कर लेगी वेजिटेबल्स को और तीन महीने बाद पेमेंट करेगी तो ये उनकी या फिर उनकी कंपनी की या फिर उनके बिजनेस की पॉलिसी है जिसको वो फॉलो करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर टेन ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, महूर, एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन अटेंडेड ब्राउज थ्रू वेरियस वेबसाइट्स टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट जैसे ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंप्लीमेंट किया गया तो महूर, एक स्टैब्लिश बिजनेसमैन है उसने ऑनलाइन बहुत सारी सर्चिस कंडक्ट की वेबसाइट्स को यूज किया इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि आखिरकार गुड्स एंड क्या चीज़ है? वो इनको यूज़ करना चाहता था ताकि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके अपनी जो अनसर्टेनिटीज़ को दूर कर सके और अपने रिस्क को भी कवर कर सके नेम दिस स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस दैट इज बीइंग डिस्क इन पैरा आपको बताना है कि महूर लिमिटेड ने कौन सा प्रोसेस प्लानिंग का स्टेप फॉलो किया है यहां पर क्या उन्होंने अपने ऑल्टरनेटिव इवेलुएट किए हैं या फिर उन्होंने अपने से सिलेक्ट किए हैं या फिर वो अपने डेवलप कर रहे हैं एजम्शन या फिर वो मॉनिटर कर रहे हैं और फॉलो अप एक्शन फॉलो कर रहे हैं इसका आंसर होना चाहिए डेवलपिंग प्रेमिस क्योंकि फ्यूचर को वो फोरकास्ट करके अपनी एजम्पन्स डेवलप करना चाहते हैं पता लगाना चाहते हैं कि फ्यूचर में हम क्या क्या कर सकते हैं और अपनी एजम्शंस ग्रो करना चाहते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इलेवेंथ क्वेश्चन हमारे पास है फ्रॉम द टाइप ऑफ प्लान सोलर लिमिटेड इज डीलिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी टू गेट द बिजनेस द टीम लीडर एंड टीम हिस्सा टू द डिफरेंट स्टेट्स सोलर लिमिटेड एक रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट्स में डील करता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसका टीम लीडर और जो टीम के मेंबर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं अपने क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन करने के लिए उनको समझाने के लिए जो लीडर है वो एयर से ट्रेवल करता है और जो बाकी के टीम लीडर्स हैं टीम वर्कर्स हैं वो रोड या फिर ट्रेन का यूज करते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान बींग फॉलोड बाई द कंपनी क्या ये उनके रूल्स हैं या फिर ये उनकी पॉलिसी है या फिर ये उनका मेथड है या फिर ये उनका बजट है सो so, बहुत ही सिंपल है इसका आंसर होना चाहिए पॉलिसी। पॉलिसी कंपनी की ये है कि जो टीम का लीडर होगा वो एयर से ट्रेवल कर सकता है लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं उनको बाय रोड या फिर ट्रेन ही ट्रैवल करना पड़ेगा तो ये उनकी पॉलिसी है ट्वेल्थ क्वेश्चन हमारे पास है केटन वर्ग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन अ कंपनी डीलिंग इन स्टेशनरी प्रोडक्ट सो केतन जो है वो एक प्रोडक्शन मैनेजर है स्टेशनरी प्रोडक्ट में डील करता है वहां पर एवरी इयर एट दाइम ऑफ ड्रॉइंग एनुअल प्लान जब भी प्लानिंग होती है जब भी उसकी कंपनी में प्लानिंग की जाती है ही अलॉन्ग विद हिस टीम हैव टू अंडरटेक इंटेलेक्चुअल थिंकिंग इन्वॉल्विंग फोरकास्टिंग विजुअलाइजेशन एंड जजमेंट जब भी प्लानिंग जैसा प्रोसेस फॉलो किया जाता है तो उसमें वो और उसके टीम मेंबर्स एक साथ आते हैं सोचते हैं समझते हैं जजमेंट बेसिस के ऊपर डिसीजंस लेते हैं दिस इज बिकॉज प्लान कैन नॉट बी मेड ऑन गेस वर्क और ये इसलिए जरूरी है कि प्लानिंग जो है वो गेस वर्क से नहीं की जा सकती इन लाइंस में कौन सा फीचर प्लानिंग का हाईलाइट किया गया है ये आपको बताना है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन प्लानिंग इज पर प्लानिंग डिसीजन मेकिंग या फिर प्लानिंग इज द मेंटल एक्सरसाइज सो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज क्योंकि यहां पर दिख रहा है लिखा हुआ है अंडरटेक्स इंटेलेक्चुअल थिंकिंग थिंकिंग प्रोसेस है ये ये मेंटल एक्सरसाइज है इसमें रियालिटी में कोई हार्डवर्क नहीं करना होता है फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं करनी होती है ये सिर्फ सोचने की बात होती है प्लानिंग इज द थिंकिंग प्रोसेस ऐसे ही 13th question हमारे पास है, 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 करते समय हमें ध्यान देना होता होता करना फीडबैक लेना होता है ताकि निश्चय किया जा सके कि भाई जो प्लान बनाया है वो अचीव हो रहा है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आपको बताना है कि इसमें इस लाइन में कौन सा प्लानिंग का प्रोसेस हाईलाइट किया गया है डिटरमाइनिंग प्लानिंग प्रेमिस फॉलो अप इवेल्युएटिंग ऑल दल्टरनेटिव इंप्लीमेंटिंग अ प्लान सो बेसिकली इसमें फॉलो अप एक्शन को परफॉर्म किया गया है क्योंकि जब आ गया मॉनिटर्ड monitor, मॉनिटरिंग किसमें की जाती है प्लानिंग के लास्ट स्टेप में दैट इज फॉलो अप एक्शन ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वाइल्ड मेकिंग अ सेल्स बजट एवरी ईयर आकाश मेक सर्टेन एजम्पन अबाउट द फ्यूचर रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसी इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट एटसेट्रा वट आर दीज एजम्श कॉल्ड जब भी अक्षय कुछ एजम्शंस डेवलप करता है तो वो उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट इन सबको इंक्लूड करता है जो कि एजम्शन बेस्ड है इन एजम्पन को हम प्लानिंग के प्रोसेस में क्या कहते हैं बहुत ही सिंपल इसका आंसर है डेवलपिंग प्रेमिस एजमशन डेवलप करना मतलब फ्यूचर के रिगार्डिंग अपने प्रेमिस डेवलप करना फिफ्टींथ क्वेश्चन हमारे पास है आदित्य ऑन स्टार्टिंग अ बिजनेस वांटेड टू मेक इफेक्टिव फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर इन हिज बिजनेस बाय रिड्यूसिंग द अनसर्टेनिटी इन मेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू सेक्सेशन पॉलिसी आदित्य जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचता है या फिर जब भी वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो हमेशा फ्यूचर को फोरकास्ट करने के बारे में सोचता है ताकि फ्यूचर में होने वाली अनसर्टिनिटीज को ओवरकम किया जा सके और एक अच्छा डिसीजन लिया जा सके रिगार्डिंग टेक्सेशन पॉलिसी ही कंसिडर वेरियस ऑल्टरनेटिव टू फेम्युलराइज हिमसेल्फ विद द इंफॉर्मेश अटेंडिंग अ न्यू फ्यू सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसिस ऑर्गेनाइज बाय सच एक्सपर्ट ब्राउजिंग थ्रू ऑनलाइन पोर्टल्स रीडिंग मैगजीन्स एटसेट्रा वो और भी ज्यादा रिसर्च करता है जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं उसके साथ अपने आप को फेमिलियराइज करवाने के लिए वो मैगजीन रीड करता है ऑनलाइन सर्च करता है नेम द प्रोसेस दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ अद्वितीय जो है वो कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहा है मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ऑब्वियसली प्लानिंग का चैप्टर है तो प्लानिंग ही इसका आंसर होगा नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 दीज़ टाइप्स ऑफ प्लान्स विच आर फॉर्मुलेटेड फॉर यूज इन सिमिलर और रिपीटेटिव सिचुएशंस दैट मे प्रिवेल इन एन ऑर्गेनाइजेशन वो कौन से प्लान्स होते हैं जिनको एज इट इज यूज किया जाता है विदाउट एनी चेंज ये प्रॉब्लम हर बार मैनेजमेंट में आएगी हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे आंसर आपके सामने मेथड्स So, 16 का आंसर होना चाहिए मेथड क्योंकि मेथड्स ऐसे प्लान होते हैं जिनको एज इट इज फॉलो किया जाता है सेवनटींथ क्वेश्चन हमारे पास है प्लानिंग कैन नॉट फोर्स इन एंड दर्स देअर मे बी ऑब्स्टेकल्स टू इफेक्टिव प्लानिंग प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए की जाती है लेकिन फ्यूचर के बारे में पता लगाना हमेशा दिक्कत करता है द रिलेटेड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग

प्लानिंग जो है वो डायनामिक एनवायरमेंट में कभी भी काम नहीं कर सकती ऐसे ही एटीन क्वेश्चन हमारे पास है द द प्रोसेस ऑफ ऑफ प्लानिंग इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ एक्सपेंसेस ऑन बोर्ड रूम मीटिंग्स डिस्कशंस विद प्रोफेशनल एक्सपर्ट एंड प्रिलिमिन्री इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट दी वायबिलिटी ऑफ द्लान भी जब प्लानिंग प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है तो उस पर बहुत खर्चा होता है बोर्ड रूम मीटिंग्स कंडक्ट करनी पड़ती हैं बहुत सारी डिस्कशन सेशन अरेंज करने पड़ते हैं कुछ टेस्ट कंडक्ट करने पड़ते हैं ये चेक करने के लिए कि प्लान एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा बताओ कौन सी लिमिटेशन प्लानिंग की यहाँ पर हाईलाइट की गई है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी प्लानिंग इन्वॉल्व कोस प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस या फिर प्लानिंग लीड्स टू सो बहुत ही सिंपल है यहाँ पर एक्सपेंसेस की बात की गई है तो आपको पता हो सकता है प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कोस्ट इसका आंसर होना चाहिए नाइनटीन क्वेश्चन इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लान विच स्पेसिफाइज द एक्शन दैट मस्ट और मस्ट नॉट बी टेकन वो कौन सा प्लान है जो हमें ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए डूस एंड डोट मस्ट एंड मस्ट नॉट सिंपल क्या करना है क्या नहीं करना वो कौन बताता है आपका आंसर होना चाहिए रूल्स रूल्स ही तो बताते हैं हमें हमें क्या करना है क्या नहीं करना है जैसे आपके स्कूल्स में रूल्स होते हैं घर में आपके रूल्स होते हैं सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी जो रूल्स होते हैं वो बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एवरी बिजनेस टू असेस एंड डिजाइन इट्स नीड फॉर कैश विद डिग्री ऑफ क्वेश्चन म दी टाइप ऑफ प्लान विच इज फंडामेंटल फाइनेंशियल प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन यहां पर हमें कह रहे हैं कि हर एक को कैश की कितनी जरूरत है कितना कैश है उनके पास कितने कैश की जरूरत हो सकती है फ्यूचर में इसके बारे में डिसीजन लेना पड़ता है बहुत ध्यान से ये एक फंडामेंटल फाइनेंशियल प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है वो कौन सा प्लान है जो एक फंडामेंटल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का काम करता है जिसमें कितना कैश है कितना है कितना आएगा कितना जाएगा ये डिसीजन लिया जाता है बेसिकली इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए बजट क्योंकि बजट में ही तो हम डिसाइड करते हैं कि बिजनेस के पास कितना पैसा है कितना आएगा कितना जाएगा सो so, 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि थर्ड पार्ट भी हम इसका जल्दी ही लेकर आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कमेंट में अपने मार्क्स जरूर बताइएगा प्लानिंग इज दी प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है प्लानिंग कौन सा फंक्शन है ऑप्शन ए प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन होता है जो सबसे पहले परफॉर्म किया जाता है क्योंकि जब तक हम प्लान नहीं बनाएंगे तब तक हम बाकी के फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू मेकिंग एजम्स फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड बहुत अगर हम फ्यूचर के लिए कुछ एजम्पन डेवलप करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं आंसर है ऑप्शन सी सेटिंग प्लानिंग प्रेमिस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द कॉम्पोजिट प्लान विच इन्वॉल्व सेटिंग टर्म ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग आउट स ऑफ एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस कौन सा प्लान है जो कॉम्पोजिट प्लान होता है जिसमें हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्शन फाइंड आउट करते हैं और रिसोर्सिस भी एलोकेट करते हैं सो so इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी स्ट्रेटेजी क्योंकि स्ट्रेटेजी में ही हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पहले लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाते हैं फिर कोर्सेज फाइंड आउट करते हैं और फिर रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर वो कौन सा प्लान है जिसमें ये सारी चीजें काउंट की जाती हैं ऑब्जेक्टिव भी आता है पॉलिसी भी प्रोसीजर भी और रूल भी बेसिकली इसका आंसर होना चाहिए प्रोग्राम क्योंकि प्रोग्राम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव भी सेट करते हैं पॉलिसी भी बनाते हैं पूरा प्रोसीजर फॉलो करके रूल्स भी एस्टेब्लिश करते हैं और ऐसे ही लास्ट हमारे पास है वे इन टास्क टू बी परफॉर्म इस कॉल्ड अगर हम कोई वर्क एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में परफॉर्म करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं जिसमें हम सिमिलर वे में हर काम करते हैं सेम प्रॉब्लम होगी तो सेम हम चीज अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होना चाहिए मेथड method. क्योंकि मेथड्स ही ऐसे प्लान्स होते हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में वर्क करते हैं और अप्लाई किए जाते हैं सो so, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 25 फाइव क्वेश्चन डिस्कस किए वेरी श्योर एंड क्विक मैनर में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक like और शेयर जरूर कर दीजिएगा कमेंट में अपने मार्क्स जरूर बताइएगा अगर आप सीबीएसई से बिलोंग करते हैं तो टाइप्स ऑफ प्लान के क्वेश्चन छोड़ के जितने क्वेश्चंस बाकी के थे आउट ऑफ उसमें से आपके कितने मार्क्स आए जरूर बताइएगा